चांदपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने धरना देकर वन विभाग के अधिकारी को मांग पूरी होने तक धरना स्थल पर बैठाए रखा। अन्य समस्याओं पर तहसीलदार ने धरना स्थल पर आकर किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। दरअसल गुलदार के आतंक से पूरा जिला परेशान है। आए दिन गुलदार द्वारा किसानों पर हमले करने के समाचार मिल रहे हैं। चांदपुर तहसील के ग्राम अकोंधा के निकट गत दिनों गुलदार के आतंक से परेशान होकर किसानों ने वन विभाग से पिंजरा लगाए जाने की मांग की थी। लगातार सूचना के बाद भी वन विभाग की उदासीनता देखने पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने तहसील मुख्यालय पर धरना दिया, जहां पर वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह को बुलाया गया। वन क्षेत्राधिकारी ने पिंजरा लगाने के लिए सहमति भर ली तथा पिंजरे के साथ एक CCTV कैमरा भी लगाया जाना था, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई गई। उन्होंने कहा कि अगर कैमरा चोरी होता है तो उसकी भरपाई आप लोगों से होगी। इतना सुनते ही किसान उग्र हो गए तथा उन्होंने कहा कि हमें केवल पिंजरा चाहिए, कैमरा नहीं। गहमा गहमी के बाद वन विभाग ने केवल पिंजरा लगाने पर सहमति बना ली। अन्य समस्याओं पर तहसीलदार ने धरना स्थल पर आकर किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। तहसीलदार द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन पर किसान शांत हुए तथा धरने को समाप्त किया। जिला अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह ने अध्यक्षता की और ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह काकरान ने संचालन किया। धरने में जिला सचिव मनोज कुमार, मूला सिंह, सुमित नागर, अमरीश चौधरी, सोनू कश्यप आदि उपस्थित रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। तारीख की मासिक पंचायत रहती है चांदपुर तहसील में, और इसमें गुलदार का मैटर है। गुलदार के बारे में धरना दिया जा रहा है और बहुत समस्या किसानों की यहाँ इतनी उठ रही है तहसील में, जो मतलब एक हमारे किसान है लाइट लंगड़े के, उनके तालाब में के नंबर में टंकी बनाई जा रही है। टंकी तो पड़ते के नंबर में बननी चाहिए, जो सरकारी नंबर हो, जो उनके नाम तालाब है उसमें टंकी बनाई जा रही है। और एक अकोंधे में रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा सार्वजनिक किसान के लिए, उसमें जो टाल मटोली करी जा रही, कई बार ज्ञापन दे दिए ब्लॉक अध्यक्ष जी ने, उसमें रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा। मेन मुद्दा क्या आपका यहाँ बैठना? मेन मुद्दा तो गुलदार का, आवारा पशुओं का। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा इस चीज पर? प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं। और जो किसान को गुलदार मार दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा चाहता है उसके लिए, और एक बच्चे को सरकारी नौकरी, और जो घायल हो तो 50 लाख का मुआवजा, एक बच्चे को नौकरी। तो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये प्रदर्शन तो चलता ही रहेगा जब तक गुलदार से निजात नहीं मिलने का। प्रशासन इसमें फेल हो चुका गुलदार के मामले में। गुलदार हर जगह, हर क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा। अब ये पता नहीं इन्होंने लाकर कहीं से छोड़ दिया गुलदार, या क्या करा, गुलदार पर काबू नहीं कर पा रहा प्रशासन। प्रशासन और ही बातों में काबू कर रहा, इधर आधर की बातों में लगा रहा, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहा, किसान और मजदूर को, जनता को हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहा। प्रशासन जो है किसान की समस्या का समाधान नहीं कर रहा, आवारा पशु किसान की फसल खा रहा है, और आज तक जो है आवारा पशु का कोई समाधान नहीं हो पाया। ज्ञापन देते हैं डीएम साहब को, ज्ञापन देते हैं, गौशाला खुल गई, गौशाला में जो है पशु मर रहे हैं, और जे बिजली का खड्डे खोद दे और बस में डाल दिया। अगला कदम क्या होगा बाबू? अगला कदम हमारा ये होगा, यदि बात माननी नहीं जाने की जाननी तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चांदपुर तहसील में लगाया जाएगा। पिंजरे की बात है, जब भी हम कहीं जाते हैं हमें कहता है यहाँ पिंजरा लगा दो, यहाँ पिंजरा लगा दो। जो शिकायत हमारे पास आ रही है, किसी गांव में घुस गया, कहीं घुस गया, पिंजरा एक जानवर को पकड़ने की कार्यवाही है, उसमें जो पिंजरे में बांधते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं कि अगर वहां पर पिंजरा लग गया किसी के घर के सामने, किसी गौशाला में, किसी खेत में, या किसी के जहां पशुधन दे रहे हैं वहां पे, कि वहां सब सुरक्षित होंगे। सुरक्षित जब है जब वो जानवर पकड़ा जाएगा। जब हम पिंजरा लगाते हैं तो कई चीजों का ध्यान रखते हैं। ज्यादा मामले इनकी अकुंडा की बात है, अकुंडा में हम गए, रोड को जहां पे आया हुआ गुलदार जहां पे आया हुआ, वहां वो एक भारतीय साइड में एक मकान आ रहा है, कच्चा मकान है, उन्होंने उसके पशु बंधे हुए हैं, ठीक है, वहां हम उसे पकड़ने की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसे पकड़ने की कार्यवाही करेंगे तो हमें जानवर को लंचाना पड़ेगा। जानवर को लंचाने के बाद के लिए हमारे पास तीन तरीके रहते हैं, यानी जानवर को वहां बुलाना है, हम क्यों बुला रहे इतने रिस्क में, वहां बच्चे भी हैं, आदमी है, सब कुछ है, पकड़ने की कार्यवाही है, जंगली होती है। हमने उस दिन इनसे ही कहा था कि जंगली कार्यवाही है, यहां तो हमें इसे भगाना है ताकि ना आए, ताकि नुकसान ना हो किसी का। उसे भगाने के चक्कर में जो उसे पकड़ने की जो कार्यवाही है उसके लिए हमने उसकी एक जगह लोकेट की है जो बिल्कुल अलग है, वहीं पर हम पिंजरा लगाने की कार्यवाही कर रहे हैं। आज वहां पिंजरा लग जाएगा, ठीक है, एक जानवर है, 3-4 जगह वो घूम रहा है,
तीन चार गाँव में मंत्री ने भी मंसूर ने भी बोली है, अकाउंट ने भी बोली है, इसका किराया में भी नहीं बैठा है।